नमस्कार, ये देखिए ब्लू ओक्स मादाओं का एक झुंड है जिसमें बच्चे मादाओं के साथ ही रहते हैं। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक वे माँ के साथ ही रहते हैं और माँ ही उनका पालन पोषण करती है। नर नीलगाय बच्चों को पालन पोषण करने में कोई भी मदद नहीं करता। इस तरह ये फीमेल, चार पांच फीमेल अपने बच्चों का एक झुंड बना लेती है जहाँ पर एक ही साथ बच्चों को छिपाना और एक ही साथ बच्चों को खिलाना पिलाना होता है। हर चीज़ का टाइम होता है। फीमेल बारी बारी से बच्चों के पास जाती हैं और ये देखती हैं कि कोई ख़तरा तो नहीं है। एक दो फीमेल बच्चों के पास होती हैं और एक दो फीमेल खतरे पर नज़र रखती हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा झुंड है। इसमें 6 महीने से लेकर 1 साल तक के कुछ युवा बच्चे हैं जो मादाओं के साथ ही रहते हैं। एक राज की बात यह है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तकरीबन 6 महीने तक तो बच्चों के शरीर से कोई गंद नहीं निकलती। गंद की वजह से शिकारी जानवर बच्चों का पीछा नहीं कर पाते और घास या ऐसे वातावरण में इनको छिपा देती है मादा की। शिकारी वहाँ घूमता रहेगा तब भी बच्चे मुश्किल से दिखाई देते हैं। जब तक बच्चे हिलेंगे डुलेंगे नहीं तब तक किसी को दिखाई नहीं देंगे और ये खतरे से सुरक्षित रहेंगे, शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। ये देखिए कितना बड़ा ये झुंड है। अब ये चरने के लिए शायद कहीं सुरक्षित स्थान पर जा रहा है। आजकल नील गायों के लिए भी जगह की बहुत बड़ी कमी हो गई है क्योंकि इनको बहुत बड़ा इलाका चाहिए होता है। इनके अंदर एक नर नीलगाय का बच्चा भी है। ये देखिए ये सामने रहा जिसके सर पर सींग है। बाकी बच्चे अभी छोटे हैं उस तरह से इनका पता नहीं लगेगा कि ये नर है या मादा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे फीमेल ही लग रहे हैं। 1 साल का होने पर नर नीलगाय को झुंड से निकाल दिया जाता है और वो अपना अलग इलाका बनाता है और एक कुंवारों का झुंड होता है उसमें शामिल होकर अपने आप को मजबूत करता है, लड़ता झगड़ता है और आगे अपना इलाका बनाने के लिए तैयारियां करता है। ये देखिए काफ़ी बड़ा झुंड है, उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं। ये मेरे को जंगल में एक जगह दिखाई दे गए थे, मैंने सोचा कि आपके लिए ये जानकारी दूँ। इसी तरह जंगली जीवों की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल अनिल गंडास वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।